किसी भी अदर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन का अपने अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांसफर. द अमेजिंग पार्ट इज दैट यू डू नॉट इवन हैव टू नो वेयर द अदर कंप्यूटर इज लोकेटेड. दिस कनेक्शन इज थ्रू टेलीफोन लाइन और केबल. ये जो आपका कनेक्शन यहाँ पे जो आपको बताया कि आप अदर कंप्यूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो जो आप चाहते हो, वो किसके थ्रू होता है? या तो आपका टेलीफोन लाइन या फिर केबल के थ्रू. दिस टेलीफोन इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू आर डिवाइस इज कॉल्ड. जिस जो टेलीफोन लाइन ही कनेक्ट की जाती है उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? मॉडम. फिर अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेट इंटरनेट के थ्रू हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं. थिंग्स यू कैन डू दिस यूजिंग द इंटरनेट. क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं? सेंड अ लेटर टू अ फ्रेंड कंप्यूटर, फ्रेंड्स कंप्यूटर. हम कोई भी लेटर या मैसेज वगैरह कुछ हम सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को. ये मैसेज वगैरह क्या कहलाते हैं? हमारे ईमेल. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल. सेकेंड है आपका सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. आप किसी भी टॉपिक के पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो. गेट यूजफुल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर कंप्यूटर. आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर सकते हो जो आपको आपके लिए जरूरी है, फिर आपको जिसकी नीड हो. चैट विथ अदर पीपल बाय टाइपिंग आउट मैसेज दैट गेट कन्वेड टू देयर कंप्यूटर. आप चैटिंग भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से कोई भी चैटिंग कर सकते हैं नेट के थ्रू. इन दिस वे यू कैन मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड अराउंड द वर्ल्ड. आप इस तरीके से बहुत सारे अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हो. आपको वैसे ही पता है कि इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हमारे बहुत सारे वर्क इंटरनेट से ही होते हैं. तो यही टॉपिक था. अब आपको ये रीड करना है. ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है. इसके आपको इस चैप्टर का पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है. एंड ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ. थैंक यू.